going to share the exercise. Yes. So this is the exercise in front of you. ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आर नॉट न्यूमेरिकल. आप ये थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. 5.1 गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, मतलब वेदर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स और नॉट, थोड़ा सा आपको बताना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, इज इट इज देयर एनी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये डाउनवर्ड एक्ट करती है, डाउनवर्ड फॉल करती है, तो यस देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ड्रॉप. नेट फोर्स बताना है आपको, पर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है. दे आर सेइंग कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है. कांस्टेंट स्पीड है मतलब वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है डाउनवर्ड और वेलोसिटी भी, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो नेट फोर्स इज जीरो. इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से फॉल तभी कर रही है अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, तो फर्स्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो आ जाए. बी पार्ट है, कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है, एक कॉर्क है 10 ग्राम का, तो वो फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर भी बैलेंस्ड है फोर्सेस, नेट फोर्स जीरो, कि जो कि उसका अपथ्रस्ट है और वेट है वो बैलेंस कर रही है. A kite skillfully held stationary in the sky. Kite जो बिल्कुल stationary hold की हुई है sky में, उसके ऊपर भी net force zero ही होगा. Car moving with constant velocity on a rough road. Constant velocity है पर rough road पे है, पर even then constant rough road है, friction act करेगा, तो इसके ऊपर net force zero नहीं होगा. High speed electron in space far from all material objects and free of electric and magnetic fields. तो एक इलेक्ट्रॉन है जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा, उसकी भी नेट फोर्स जीरो होगी. ठीक है, तो ऐसे आप देख लेना. ये सेकेंड थर्ड क्वेश्चन को छोड़ो, आगे देखो जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं हमारे. लेट अस कम डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर फोर. चलो देख लो फोर भी. ये नहीं किया हो, ये वर्टिकल सर्कल का, फिर भी आप कर सकते हो. ये सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहे हैं. वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड वी, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज व्हाट? तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना जा रहा है अगर वो पार्टिकल सर्कुलर स्पीड से जा रहा है? तो एक तो सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी कौन से पॉइंट पे है ये डिपेंड करेगा. तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. अगर ये ऐसे है, ये स्टोन अटैच्ड है, अगर तो ये लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे है, तो टेंशन इधर है वेट की वजह से, और सेंट्रीपेटल फोर्स भी उधर ही है, तो टी प्लस हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर एल. ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज दिस, यू कैन राइट. इसको रहने दो, वर्टिकल सर्कल हमने हमारे सिलेबस में नहीं है. 5.5 यहां से स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल. अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 केजी मूविंग इनिशियली विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. यू दिया हुआ है. हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? It is stopping, that means V is zero.
सी निकालना है तो सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है. फर्स्ट एफ फिजिकल टू एम एस एक्सेलरेशन निकाल लो. फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग एफ फिजिकल टू एम ए, और उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी टू फाइंड टाइम. ठीक है, तो ये तो सिंपल नाइन्थ लेवल का क्वेश्चन है. सेम वे सिक्स्थ क्वेश्चन ऑल्सो इज नाइन्थ स्टैंडर्ड क्वेश्चन 5.6. A constant force acting on a body of mass 3 kg changes speed from 2 to 3.5 meter per second in 25 seconds. Mass है 3 kg, speed change हो रही है 2 से 3.5 meter per second in a time of 25 seconds. This is the data. The direction of motion remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? Force निकालना है. कैसे निकालोगे? F is equal to ma and a is v minus u over t. So just put in the value. ठीक है, सिर्फ F is equal to ma लगेगा यहाँ. Fine. नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सेड कि फोर्स इज रिटार्डिंग. तो इसको नेगेटिव ले लो, एक्सेलरेशन नेगेटिव लो. इन द क्वेश्चन नंबर 5.5 टेक एक्सेलरेशन टू बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं आना चाहिए. और उन्होंने पहले ही रिटार्डिंग फोर्स इसीलिए कहा हुआ है कि नेगेटिव हाई ले सकते हैं. ठीक है, 5.7 देखो. 5.7 A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces of 8 newton and 6 newton. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक परपेंडिकुलर, एक 8 न्यूटन लग रहा है, एक 6 न्यूटन लग रहा है. ठीक है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो पहले तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे. रिजल्टेंट एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर कॉस 90 आ जाएगा, वो तो जीरो है. ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. कितना आ गया? 10. 10 न्यूटन आ गया. दिस इज 10 न्यूटन. तो यूज एफ इज इक्वल टू एम ए नाउ. Find acceleration. 2. So acceleration is how much? 2 meter per second square. So the acceleration is 2 meter per second square. Clear? Koi doubt yahan tak? 5.5, 6 और 7 में. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5.8. द ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकंड जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड. What is the average retarding force on the vehicle? Mass of three wheeler is 400 kg. Mass of the driver is 65 kg. मतलब आगे एक child खड़ा है तो उसको देखते ही उसने ब्रेक लगाई, तो just in order to save the child वो वहां तक पहुंच पाया, उसको बचा पाया. ठीक है, तो मास है टोटल ड्राइवर और व्हीकल का मिला के 465 ग्राम. उसके ऊपर ही बैठा हुआ है ना, तो टोटल मास लेना पड़ेगा. ठीक है, ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई विद 5/18.
So that is 10 meter per second. ठीक है, 10 हो गया. एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड. वी जीरो हो गया क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है, टाइम है 4 सेकेंड. सो व्हाट इज एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? वही सेम फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए. पहले ए निकाल लो फिर एम ए कर दो. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, हाँ रिटार्डिंग है ना, कोई बात नहीं. देखो जब भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रही है ना, वो रिटार्डेशन है, वो नेगेटिव ही आएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9. ये रॉकेट वाला लिफ्ट वाले केसेस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको रहने दो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 होम असाइनमेंट लीजिए. ये वैसे ही एफ इक्वल टू एम ए के हिसाब से ही करना है आपको, और पोजीशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी. 10th क्वेश्चन टेक टू बी असाइनमेंट. इलेवेंथ देखो, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू जीरो हो गया एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक. At 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on top of the truck, 6 meter high from the ground. अब ट्रक जा रहा है और 6 मीटर की हाइट से फ्रॉम द ग्राउंड एक पर्सन ने कुछ वो स्टोन फेंक दिया. ठीक है, वो स्टोन उसने थ्रो कर दिया, ये आगे एक्सेलरेट कर रहा था. दिस इज द सिचुएशन. हाँ आगे, व्हाट आर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड. 11 सेकेंड में, 10 सेकेंड पे ये फेंका उसने, 1 सेकेंड के बाद क्या वो? ठीक है, 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ ये बताना है आप. तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पे? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन निकालने हैं आपको. हाँ वी, पहले तो वी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी है ना. मतलब हमें नहीं पता कि 11 सेकंड पे वो ग्राउंड पे पहुंच गया कि नहीं, 10 सेकंड पे उसको फेंका है. तो 10 सेकंड पे जब उसको थ्रो किया है तो उस टाइम पे क्या हमारे पास डेटा है, उसको हम यूज कर सकते हैं? ट्रक का जो डेटा है, ट्रक की स्पीड कितनी है उस टाइम पे, वो उसकी इनिशियल स्पीड होगी. तो लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक. कैसे यूज करेंगे, हमारे पास यू है, ए है, बी इक्वल टू यू प्लस 86. यू जीरो है, एक्सेलरेशन टू है, टाइम कितना है 10, 20 मीटर पर सेकेंड से दैट मीन्स स्टोन वॉज थ्रो. स्टोन को 20 से फेंका गया था, तो फॉर द स्टोन अब टाइम है 1 सेकेंड. अब उसको जब फेंका है 1 सेकेंड के बाद हमें चाहिए, उसका यू है 20 और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर. अब इसके इसको यूज करके आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. चलो तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप इसकी, पहले ए निकाल लो. कैसे निकालोगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर.
फाइंड ए फ्रॉम हियर. उसके बाद चाहे आप फर्स्ट लगा लो चाहे थर्ड लगा लो. उसके बाद फर्स्ट लगा लेना तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी स्टोन की, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन मिल जाएगी आपको यहां से. तो फर्स्ट सॉल्व फॉर दैट. हाँ एक्सेलरेशन तो जी नहीं होगी इसकी. कितना आंसर आ रहा है? 28. हाँ नहीं पर किसी पर्सन ने खुद फेंका है इसको किसी स्पीड से तो फिर जी नहीं होगी. हाँ जी जपन जोत बोलो. यस मैम -28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है. हाँ माइनस आ रही. चलो कोई बात नहीं. अब लगाओ v इक्वल टू u प्लस 80 एंड फाइंड v. हाँ नहीं एक्सेलरेशन आप बस v इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ स्टोन के लिए. एक्सेलरेशन 10 ही लो. Approximately 30. सिक्स मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया है ना उसने वो 1 सेकेंड में नहीं किया. उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें नहीं पता तो इसलिए वहां से एक्सेलरेशन ठीक नहीं आ रही है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 12th क्वेश्चन. अ बॉब ऑफ मास 0.1 केजी हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम बाय अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इन टू ऑसिलेशन. पेंडुलम बॉब है उसको हमने ऑसिलेट करवा दिया. ठीक है देन द स्पीड ऑफ द बॉब एट मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस एट द मीन पोजीशन. तो कितनी उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी अगर उसको मीन पोजीशन पे स्ट्रिंग काट देते या एक्सट्रीम पोजीशन पे काट देते तो उसकी मोशन कैसी होती. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. क्वेश्चन नंबर 12. तो ये स्विंग कर रहा है इस तरह से पेंडुलम बॉब. ठीक है अब वेलोसिटी यहाँ पे रुकता है ना बॉब एक मोमेंट के लिए रुकता है फिर वापस आता है. तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग काटेंगे तो u इक्वल टू 0 से ये फॉल करेगा मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा. सो इफ द स्ट्रिंग इज कट हियर एट द एक्सट्रीम पोजिशन pendulum bob will fall like freely it is falling in the same way as free fall so it will fall vertically downward. aur yahan pe velocity kya aati hai by tangent. to yahan pe agar cut karenge to usko horizontal velocity mili hogi so under the effect of horizontal velocity it will fall like a projectile to tab iska path aisa hoga. theek hai very interesting question this is. to agar pendulum bob ka jo string hai if it is cut at extreme position it will fall freely and if it is cut at mean position it will fall like a horizontal projectile its trajectory will be parabolic. trajectory puchi hai unhone trajectory will be parabolic then. its trajectory will be parabolic. थर्टींथ क्वेश्चन केसेस इन अ लिफ्ट है वो रहने दो. फोर्टींथ देख लो. फोर्टींथ करते हैं.
आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, यू आर गिवेन ग्राफ पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हुआ आपको, पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, मास ऑफ पार्टिकल है 4 kg, उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है। What is force on particle for t less than 0, greater than 4 second, between 0 and 4 second? B part in pulse निकालेंगे। चलो पहले force देखते हैं। Force on the particle for t less than 0। यहाँ और भी दिया हुआ है ग्राफ। ये भी दिया हुआ है। For t less than 0, इसकी displacement 0 है, velocity भी 0 हो गई, acceleration भी 0 हो गई, तो कोई force नहीं। So for t less than 0, no force. T greater than 0 के लिए stationary है, वो stationary है तो velocity 0 है, at rest है, वो at rest है तो इसका मतलब acceleration 0 है, again force is 0. So for t less than 0, t greater than 4 second, no force is acting. Force acting is 0 for both the cases. Force acting is zero here. Now between 0 and 4 seconds, इतने time के लिए आप देख रहे हो कि uniform speed है, उसकी motion uniform है, तो अगर velocity uniform है, again acceleration is zero, तो force is always zero. तो entire journey के लिए force तो zero ही है। B part है impulse क्या है, at t equal to 0 and t equal to 4 seconds. Let us solve for B part. What is the impulse at t equal to 0 second? What is the impulse at t equal to 0 second? Ab impulse is change in momentum. Impulse is given by change in momentum. So what is the t equal to 0 pe velocity kitni hai? U kitna hai? Ye v hai. उससे पहले u है, उसके बाद में ये v है, ठीक है? तो u 0 है इसका, v कितना है इसकी, स्लोप से पता लग जाएगा। तो स्लोप कितनी है इस लाइन की, 3/4, 3/4। तो चलो मास है 4, स्पीड है इसकी 3/4 और u है 0, तो ये आ गई 3 kg/s या 3 N/s। इंपल्स है t इक्वल टू 0 सेकंड हमने निकाल ली by using impulse momentum theorem. Okay, we have used impulse momentum theorem here. Ab impulse nikal lo 4 second pe. Ab 4 second pe u ye hai 3/4 और v है 0, तो -3 आ जाएगा, -3 N/s आ जाएगा। तो इंपल्स एट 4 सेकंड लिखिए, कैलकुलेट करिए, सो दैट विल बी -3 सेकंड। ठीक है, देख लो एक बारी बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर डाउट यहां तक तो पूछ लो। यस, 15th क्वेश्चन कनेक्टेड मोशन पे है। 15th है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 and 20 kg
respectively kept on a smooth horizontal surface. Smooth hai to friction nahi hai. Are tied to the ends of a light spring. A horizontal force of 600 newton is applied to A. A को apply किया अगर force, A tied है. यहाँ पे 600 newton का force apply कर दिया. What is tension in the spring in each case? तो tension कितनी होगी spring में? अब tension spring में same होगी, ये भी उतने ही same. खींच रहा है ये भी उतने से खींच. अब equation कैसे लिखनी? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक्सेलरेशन इधर होगी तो हाउ कैन यू राइट द इक्वेशन? दिस फोर्स माइनस दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? 600 माइनस टी इज इक्वल टू 10 ए. राइट द इक्वेशन फॉर सेकेंड मास. उस पे एक ही फोर्स है टी, बस एक ही फोर्स लगा तो टी इज इक्वल टू 20 ए. सेकेंड की इक्वेशन बनेगी400, ठीक है. अगर ये फोर्स बी पे लग रहा होता तो उन्होंने पूछा कि आंसर चेंज होता है? यस, आंसर चेंज हो जाता. 16th क्वेश्चन आर्टवुड मशीन के ऊपर है. ये देख लो एक बारी सॉल्यूशन देख लो. हाँ, वो उसको खींच रहा रोप का, वो भी खींच रहा, दोनों में इक्वल है ना. अगर एक थ्रेड है तो टेंशन हर पार्ट में सेम होगी. मैंने आपको बताया था अगर थ्रेड में कोई और नॉट नहीं है या फिर कोई और मास अटैच नहीं है बीच में तो टेंशन हर पार्ट में सेम होगी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16. आर्टवुड मशीन का क्वेश्चन है सिंपल. टू मासेज 8 kg एंड 12 kg. नोट करो स्मॉल एम है 8 kg, कैपिटल एम है 12 kg. आर कनेक्टेड एट टू एंड्स ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली. वही उस तरह से एक इधर है एक इधर है. फाइंड एक्सेलेशन ऑफ द मासेज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेज आर रिलीज्ड. तो क्या फॉर्मूला था टेंशन और एक्सेलेशन का? क्या फॉर्मूला था? पढ़ते नहीं हो? एक्सेलरेशन एम माइनस एम ओवर एम प्लस एम जी और टेंशन 2 mmg ओवर एम प्लस एम. बस वैल्यूज पुट कर देनी, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. जी अगर मेंशन नहीं है ना यहाँ पे तो 9.8 ही लेना, अदरवाइज अभी 10 ले लो. एंड इफ यू वांट टू टेक 10 तो आप मेंशन कर दो कि हमने जी 10 लिया, क्योंकि इफ इट इज नॉट गिवन आपको लेना तो 9.8 ही पड़ेगा. एक्सेलेशन 2 m/s² एंड टेंशन भी बताओ कितनी आ रही है. टेंशन newton. क्वेश्चन है न्यूक्लियस एट रेस्ट इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन.
ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिस जो हमने रिकॉइल स्पीड ऑफ गन वाला किया ना, उसमें नेगेटिव साइन आ रहा था ना, तो आप M1 U1 M2 U2 लेके कर लेना इसको, हमने वहां कैपिटल एम स्मॉल एम किया था, अब वो लेके कर लो। मान लो कि पहले तो वो रेस्ट पे है न्यूक्लियस, तो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम इज M1 V1 + M2 V2, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल क्योंकि सिर्फ इंटरनल फोर्सेज है, तो वहां से आपका V2 आ जाता है -M1 V1/M2, नेगेटिव साइन शोज दैट दे फ्लाई ऑफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बस। तो नेगेटिव साइन से प्रूव हो जाएगा यस दे फ्लाई ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, शेल ऑफ मास 0.040 इज फायर्ड बाय अ गन, ए स्पीड ऑफ शेल इज दिस, व्हाट इज रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो सिंपली ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये सॉल्व कर लेना, वी इज -MV/M लगेगा आपका, ये फॉर्मूला लगेगा रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, 9th स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। चलिए अब बाकी करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। गेट रेडी फॉर द टेस्ट ऑन मंडे फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन।